सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में कुछ बताइए, किस लिए रखी गई है? साइलेंट, अरे अंदर बंद कर दो। तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली एक दिवाली मिलन समारोह है, और अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स DPIF ने किए हैं उसका एक, जिसको एक सेलिब्रेशन कहा जाता है, उसको एक सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, और आगे की जो भी कार्रवाई होगी DPIF के थ्रू, जो अभी अगले महीने हैं, कुछ फैशन शोज हैं, फिर दुबई का है, उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। तो सर, पीछे तो पोस्टर लगा हुआ है, ऑलरेडी दिख रहा है कि अभी नया फैशन शो होने वाला है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जितने भी हाल फिलहाल फैशन शोज होते हैं वो सब मॉडर्न तकनीकी और मॉडर्न प्रतिभाओं को लेकर हुआ जाता है। ये हमारी भारत की जो पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता है उसको हम यहाँ दर्शाना चाहते हैं, जिसमें हम भारतीय जितने भी ये वस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, नारियों को जो पहनाया जाएगा वो सब इंडियन कपड़े रहेंगे, और एक बहुत ही टिपिकल इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन जो कल्चर है भारत का, उसको हम इस पे लाना चाह रहे हैं इस मंच के द्वारा। तो इंडिया में जितने राज्य हैं, हर राज्य की नारी होगी कि वो इंडियन, वो सिर्फ बॉम्बे से मॉडल ली जाएगी कि वो हर राज्य से अलग अलग नारी आएंगी? देखिए, DPIF आज पूरे देश और प्रदेश में विचरित हो चुका है, हर जगह फैल चुका है। जितनी भी मॉडल्स रहेंगी वो तमाम मुंबई और आसपास के इलाकों से रहेंगी, पर चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही पारंपरिक तरीके से इसको हम लोग परिपूर्ण करने जा रहे हैं, तो जहाँ की भी सभ्यता और संस्कृति है वहाँ के लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया जाएगा। अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? उसी दिन अवार्ड भी रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि DPIF हर समय बाबा साहब फाल्के का जो ये अवार्ड देता है वो बहुत ही चुने हुए लोगों को देता है, जिसमें अभी बेसिकली कुछ दिनों पहले हमने ऑर्किड में कोविड वॉरियर्स को दिया था, उसके बाद कुछ डिग्रियाँ भी दी गई थी, डॉक्टरेट डिग्री, इस बार भी कुछ चुनिंदे लोगों को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। कल्याण जी जाना बहुत एक्साइटेड ना, तीसरा साल है उनका इस अवार्ड को लेकर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? कल्याण जी जाना के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बोलते ना, एक चिंगारी ही काफ़ी होती पूरी आग लगाने के लिए, तो ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे देश प्रदेश में फैल चुकी है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कल्याण जी जाना, और जितना इनका काम है उतना ही अच्छा इनका नाम भी हो रहा है, और उतना ही अच्छा इनका दिल भी है। तो जब दिल से आप खुदा की इबादत करते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसकी रौनक एक अलग छाप के आती है। सर, दिवाली मिलन समारोह है आज, आप क्या कहेंगे? ये जो DPIF टीम है, परिवार है, तो एक दूसरे को बधाई देने के लिए आज ये रखा गया है प्रोग्राम, जैसे कि कल दिवाली लोग अपने में बिजी हो जाएंगे घरों में, इसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड की तरफ से उनके फाउंडर कल्याण जी जाना ने आज एक गेट टुगेदर रखा है कि DPIF परिवार जो है एक साथ मिल। तो जो लोग DPIF परिवार है, जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या वही लोग सब आए हैं यहाँ पे, कि इधर से भी कुछ लोग आए हैं? और भी लोग आए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये दिवाली है, ये तो सभी की, पूरे हिंदुस्तान की दिवाली है, तो सभी का स्वागत है इसके अंदर, लेकिन खास करके DPIF की पूरी फैमिली। क्या प्रोग्राम है DPIF का, कि जो अभी अवार्ड हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग किया है आप लोगों ने, क्या तैयारी चल रही है? तैयारियाँ चालू है, ये दादा साहब फाल्के का तीसरा अवार्ड है, जैसे कि पहले भी दो हो चुका, आप लोग वहाँ मौजूद थे, ये तीसरा होने जा रहा है, बहुत ही शानदार होगा, देश लेवल पे होगा, और उसके अंदर जो फैशन से होगा वो इंडियन कल्चर दिखाएगा। आज जो है हमारा हिंदुस्तान जो है सब वेस्टर्न फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए कल्याण जी जाना ने एक ऐसी नई सोच के साथ में फैशन शो को रखा हुआ है कि हम अपने कल्चर को जो भूल चुके हैं आज ये लोगों को दिखाए। मैडम, कल्याण जाना ने आज दिवाली मिलन समारोह रखा है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है, साथ में अवार्ड भी है, फिर फैशन शो भी है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ DPIF, सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, एंड इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट डे टुडे कि उन्होंने ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इट्स वी हैविंग द शो व्हिच इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट, वी नीड पीपल टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड मेनी अदर प्लेसेस, so this fashion show is really going to be very different, so looking forward, and I think many people are really going to enjoy this thing which has not happened so far ever in Mumbai. अवार्ड जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो रहा है उसके बारे में भी कुछ बताइए, क्या है अवार्ड और कितनी तैयारियां आप कर रही हैं कल्याण जाना साथ मिलकर? आप से पहली बात ये बोलना चाहता हूं मैं, ये जो कंफ्यूजन है ना जो हो रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक अलग चीज़ है
दादा साहेब पालके आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हम अवार्ड दे रहे हैं एक अलग चीज है, जो DGIAF है, ये है ना दुनिया है ना बहुत है, ये गवर्नमेंट का अवार्ड है जो दादा साहेब पालके अवार्ड है। इसके लिए बहुत अपना न्यूज पे ये चल रहा है कि ये DPI दादा साहेब पालके का नाम हम लोग आज लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फाउंडर है अपना बॉलीवुड का, हमारा भंडारा चल रहा है उसके नाम पे। वो कोई नहीं बात कर रहा है कि हमारा भंडारा चल रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग अवार्ड दे रहे हैं दादा साहेब पालके। दादा साहेब पालके का अवार्ड नहीं दे रहे, हम लोग दादा साहेब पालके आइकॉन अवार्ड फिल्म के नाम पे हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। तो आप ये गलत फहमी है ना दूर करो। और ये जो हमारा फैशन शो आ रहा है ये एक अलग फैशन शो है, ये 28 स्टेट्स का हमारा रैंप वॉक होने वाला है। इसमें पहली बार तो एक फ्लैग लेके रैंप वॉक करेगा, उसके बाद दिया लेके रैंप वॉक करेगा, सेकेंड वाला अपना लोकगीत जैसा अपना लखनऊ की रहेगी या तो कर्नाटक करेगा केरला करेगा लोकगीत रहेगा, चौथा राउंड ये रहेगा पीछे बैकड्रॉप में उसका टूरिज्म रहेगा। तो ये टूरिज्म का बढ़ावा है कि हम लोग का आदमी लोग सिंगापुर जाके हॉलीडे मना रहे हैं। आप पूछो किसी से कि केरला का बैकवाटर देखा है, किसी ने नहीं देखा है। कर्नाटक का इतना टेम्पल सब पड़ा है अपना मनाली का, अपना ये नॉर्थ का, अपना गुजरात का, ओडिशा का, वेस्ट बंगाल का, इतना सब चीज़ है हम लोग देखने के लिए। ये सब चीज़ छोड़ के हम लोग बारगांव जा रहे हैं। इसके लिए जो टूरिज़्म है हमको इसको बढ़ावा देना है। और ये हमारा फैशन शो जो हमारा दुबई में था वो आज हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम लोग बॉम्बे में कर रहे हैं, लेकिन 2022 में यही फैशन शो हम लोग दुबई में करने वाले हैं। तो ये जो DPIAF जो अवार्ड है इसके लिए क्या तैयारियां हैं, कितना अलग होगा? ये तीसरा अवार्ड है, थर्ड अवार्ड कल्याण जाना की तरफ से हो रहा है, तो ये कितना अलग होगा या पहले की तरह ही होगा या इसमें कुछ चेंजेस है? इसमें बहुत चेंजेस रहेगा क्योंकि ये अवार्ड पहले का अवार्ड जैसा नहीं है। हमारा हर इवेंट एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है। इतना सब हम लोग ने किया है इवेंट, ये पेंडेमिक में भी हम लोग ने संभाल के सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वीज रख के हम लोग ने किया है। नवंबर में एक शो हुआ, जनवरी में एक शो हुआ, अप्रैल में, अगस्त में, अभी ये नवंबर में शो हो रहा है फिर से। लेकिन हम लोग ने अलग अलग इवेंट में अलग अलग कॉन्सेप्ट रखा है हम लोग ने, और हम लोग ने हर चीज़ को बढ़ावा दिया है कि जो अपकमिंग स्टार है, एक कोरियोग्राफर है, ये लोग सबको हम लोग ने ये दिया है। हम लोग ने एक अलग कॉन्सेप्ट ही लिया है हम लोग का DPIAF। तो भले सब लोग बोलता रहेगा कि दादा साहेब पालके का नाम पे ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग ने दादा साहेब पालके का, हम लोग का एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोई कोई तो हम लोग का एक एनजीओ का नाम पे जाके दादा साहेब पालके का अवार्ड दे रहे हैं, वो गलत है। हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम से ही दे रहे हैं, DPIAF का नाम से हम अवार्ड दे रहे हैं। हम कोई उधर अवार्ड नहीं लिख रहे कि आप दादा साहेब पालके अवार्ड लिखा है, नहीं, DPIAF लिख के हम लोग अवार्ड दे रहे हैं सब लोग। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है हम लोग DPIAF का। मैडम, कल्याण जाना ने इतना मेहनत किया है इस अवार्ड के पीछे, और क्या कहेंगे आप, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म भी शुरू है, इसी बीच में हो रहा है, तो आपकी क्या राय है, क्या सोच है, किस तरह से आप कल्याण जाना को सपोर्ट करती हैं? एक बात मैं कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट अवार्ड आप लोग सबने देखा ही होगा, वी ऑर्गेनाइज टू अवार्ड्स ऑन द सेम डे, इट्स नॉट इजी टू ऑर्गेनाइज अवार्ड्स। और जो भी अवार्ड्स हम लोग देते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हेल्प करते हैं एक दूसरे के लिए, तो उनको ही अवार्ड दिया जाता है। इट्स नॉट दैट यू विल जस्ट टेक द अवार्ड्स, कोई भी आए कोई भी अवार्ड ले जाए, मेहनत करो आप अवार्ड ले जाओ, पब्लिक के लिए आप कुछ तो करो, आई मीन गरीब के लिए। जैसे कल्याण जी सर हमेशा गरीबों का साथ दिया है और हमेशा देते रहेंगे, सो दैट इज द मेन पॉइंट कि हेल्प द पुअर पीपल एंड देन यू गेट अवार्डेड। तब वो एक एहसास होता है कि जी मैंने कुछ किया है और तब अवार्ड दिया गया है। और आगे तो यू नो कि एवरी टाइम व्हेन यू डू अनदर अवार्ड इट गेट्स बेटर डे बाय डे, तो एवरी अवार्ड इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो आप लोगों को बहुत एक सस्पेंस होगा कि समथिंग बेटर इज कमिंग। अब मिसेस मिस एंड मिसेस में आप इंडियन कल्चर में जूरी मेंबर हैं, उसके लिए क्या कहोगे? जी थैंक यू कल्याण जी फॉर मेकिंग मी द जूरी मेंबर फॉर दिस फैशन शो, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, इट विल बी एन ऑनर टू बी डू बीइंग इन द जूरी फॉर दिस फैशन शो, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट थिंग, वी आर प्रमोटिंग आर इंडियन कल्चर, सो दैट इज द मेन थिंग व्हिच आई एम फीलिंग ऑनर टू बी द जूरी मेंबर। थैंक यू सो मच। वीरू जी क्या कहेंगे, आज दिवाली मिलन रखा है कल्याण जी जाना ने, तो आप किस तरह से दिवाली मिलन कर रहे हैं? सबसे पहला मीडिया वालों को सबको नमस्कार करता हूँ, और आपको सभी पूरे आपके परिवार वालों को, जो भी देखने वाले हैं सभी को परिवार को हैप्पी दिवाली। जो गए साल कुछ सबको तकलीफ में थे, इस आने वाले साल में सबको अच्छा हो भगवान से जब दुआ करता हूँ। और ये जो सेलिब्रेशन रखा है दिवाली का, एक गैदरिंग रखा है जैसे सबका मिलना हो जाए, और जैसे अवार्ड शो हमारा होता है तो उसमें मिलना होता है, पर एक अलग और कुछ खास मेंबर्स लोगों के लिए रखा हुआ है। तो और भाई जो काम कर रहे हैं कल्याण जी, हम
यहाँ जो काम कर रहे हैं भाई, जो मैं इनको गुरु मानता हूँ, मेरे बड़े भाई है वो, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ और आने वाले समय भी और कुछ अच्छा काम करेंगे और सभी को वापस शुभकामनाएं। कल्याण जाना कि जब से आप साथ में हैं तब से कल्याण जाना का थोड़ा सा सीना और चौड़ा हो गया, मैं देखता हूँ अक्सर जब अवार्ड होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा होने से नहीं है, महादेव की कृपा है, महादेव के परम भक्त है वो और उनका आशीर्वाद है और बस ऐसे ही साथ बना रहेगा हमेशा के लिए। अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे और फैशन शो के बारे में कुछ बताएंगे लोगों को? जी, अभी जो आने वाला शो हमारा दादा फाल्के 24 नवंबर को, एक काफ़ी अनोखा शो है और इसमें काफ़ी मान्यवर आने वाले हैं, काफ़ी एक अच्छा शो होने वाला है और जो सुबह जो फैशन शो है जिसको हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 20 स्टेट को रिप्रेजेंट, एक यूनिक और एक बिगेस्ट शो होने वाला हिंदुस्तान में, तो उसमें काफ़ी अच्छा सबको मैसेज देंगे और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो बाहर जा रहे हैं शूटिंग के लिए, वो हम चाहते हैं वही हमारे देश में हो, तो ना बाहर का सबको एम्प्लॉइज दे और यहाँ पे आके काम करे, तो वही मैसेज अच्छा होगा। कमाल खान साहब, आपकी क्या सोच है और आज दिवाली मिलन है और अवार्ड को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। दिवाली आप सब बहुत अच्छे से मनाएं और खूब सारा प्यार बांटें, खूब सारा प्यार दें एक दूसरे को। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, एक लड़का जो संघर्ष करते हुए डांसिंग फील्ड से, हम कभी किसी वक्त में साथ में डांस कर रहे थे और करते करते आज वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए, जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त के ऊपर और गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ कि एक दिन ये इसी माध्यम से DBIF जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईफोन अवार्ड है, इसके माध्यम से ये हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करेंगे, मेरी इन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जैसे कि मैं बता दूं आपको, अल्लामा इकबाल का एक शेर है उन्हीं के लिए, कल्याण जी जाने के लिए, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो ये मेरा भाई इतनी मेहनत करता है और इनने अपनी हस्ती मिटा दी है, एक दूसरों को तो सम्मान देते ही हैं और दूसरों का सम्मान देते देते आज इनका जो सम्मान बढ़ रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अपने आप को झोंकते रहेंगे और सबको मान सम्मान देते रहेंगे और खुद सम्मान मान सम्मान पाते रहेंगे और इंशाल्लाह ये DBIF ऑर्गेनाइजेशन की वजह से देश को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को DBIF की और पूरे देश को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब सारा प्यार दें, खूब सारा प्यार लें, बांटें और खूब अच्छे से दिवाली मनाएं। की ब्लेसिंग गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहेंगे, कल्याण जाना ने आज दिवाली मिलन समारोह रखा है और साथ में अवार्ड के बारे में और फैशन शो के बारे में क्या बताएंगे? और तो हर साल रखते ही हैं पर इस साल कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और रही बात इस साल दिवाली पे जो सबको बुलाया है बहुत अच्छा किया। एक हमारे साथ एक ऐसे महान शख्स जुड़े हुए हैं जो एक बिजनेस में किंग जिसे कह सकते हैं, जो जस्ट विन यू करके है, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। इनका मालिक का जो नाम है डॉक्टर बी बालासुब्रमण्यम है, उनको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए उनको मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और आने वाले समय में वो साथ हमारे साथ रहेंगे। ये शुभकामनाएं पूरे के पूरे देश को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कौन हल्का है, कौन भारी है, कौन हल्का है और कौन भारी है, साहब ये जिंदगी के तराजू की जिम्मेदारी है। और जब कभी भी बात कल्याण जाना साहब की होती है, ये अपनी इंसानियत और मोहब्बत से पूरी दुनिया को रोशन कर दे, ये वो चिंगारी। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में भारतीय फिल्म उद्योग जगत में आज की तारीख में बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अवार्ड सेरेमनी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स, जिसमें पूरे के पूरे देश की नजरें टिकी हुई है, जिस पर भारत सरकार की भी नजरें टिकी हुई है, पहली बार मुंबई के इतिहास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया दे आर कमिंग डाउन इन अ वन कोलाज इन अ वन रूफ ऑफ दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स एंड एज वेल एज मिस एंड मिसेज कल्चरल इंडिया फेस्ट ऑल्सो।
कल्याण ज्यादा साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक दिन में एक प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन में दो प्रोग्राम करना और 28 स्टेट्स के डिफरेंट कैटेगरीज के मिस एंड मिसेस डिवा को एक कोलाज में लेकर के आना और शाम को फिर अवार्ड सेरेमनी करना, इतना सारा काम कल्याण ज्यादा साहब ही कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, अवार्ड सेरेमनी करते रहेंगे, लेकिन कल्याण ज्यादा वो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है कि उनकी बैटिंग 99.98 का एवरेज टेस्ट का है, जिन्हें देखने के बाद सचिन तेंदुलकर, मार्टिन थ्रो, विराट कोहली, बाकी सब खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बैटिंग की है। तो आई शुड से कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड सेरेमनी जो 24 नवंबर को जो हो रहा है, उसमें कल्याण जाना जी की पूरी DPIF की टीम, ऑनरेबल डायरेक्टर श्री भैरू जैन जी बहुत लाजवाब प्रयास के साथ में कर रहे हैं। और हमारा ये अवार्ड सेरेमनी इसलिए भी डिफरेंट है हर कैटेगरी और हर क्राफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे इस अवार्ड सेरेमनी में वी आर नॉट फेलिसिटेटिंग ओनली फिल्म मेकर्स, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, बट इन आर अवार्ड सेरेमनी वी आर मेकिंग अ पिन पॉइंट टू द अदर परफॉर्मर्स ऑफ नेशन ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो। तो इस अवार्ड सेरेमनी में आपको सिर्फ मुंबई की खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी, इस अवार्ड सेरेमनी में आपको पूरे भारत देश की और भारत वर्ष की खूबसूरती देखने को मिलेगी। मैडम आप क्या कहेंगी? कल्याण जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, हर साल इनका कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन इस बार जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है और ये जो दीपावली में इन्होंने किया है ये तो काबिले तारीफ है। और कल्याण जी के साथ में मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ, जैसे उन्होंने कोरोना में भी लोगों को सहारा दिया है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग जॉब। मैडम आप क्या कहेंगे कल्याण जी के बारे में? कल्याण जी के लिए जो भी काम है बहुत कम ही बोल कम ही कह सकूंगी, कि वो उनका जो तारीफ सुनाई दिया मैंने आंखों में भी देखी, मतलब ज़्यादा दिन से इनसे मैं जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे इंसान है, जब इतने लोग इनका इतने तारीफ करते जा रहा है, मतलब जेनुइन मेरा हिसाब से जेनुइन बहुत अच्छे इंसान होंगे। आज बात में आप ज़्यादा कल आपका काली पूजा है, क्या आप मेरा काली पूजा है? मैं बंगाली हूँ एक्चुअली, मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, बंगाली बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगी। बार बार भारतीय फिल्म उद्योग जगत पर आरोप लगता है कि हम लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं कल्चर के साथ कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करते हैं। पहली बार नेशनल लेवल पे एक ऐसे अवार्ड सेरेमनी में जो भारतीय फिल्म उद्योग जगत का सबसे बड़ा अवार्ड सेरेमनी दादा साहब फाल्के, उस अवार्ड सेरेमनी में इंडिया के कल्चर को साथ में रखकर के ये जो काम कर रहे हैं, मैं अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसी महान हस्तियों को पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की दोनों हस्तियों को मिला दिया जाए तो वो कल्याण जाना साहब। सजदे की बात तू मुझसे न कर, सजदे की बात तू मुझसे न कर, ईश्वर और खुदा उसी की इबादत को सुनता है जो दिल से दिल की और रूह से रूह की बात करता है।